हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल जिसमें हम सीखेंगे कि एडमिन टीएल या मैनेजर मार्क एचआर एक्सपर्ट ईएसएस मॉड्यूल से लीव कैसे अप्रूव कर सकता है। लीव रिक्वेस्ट व्यू करने के लिए हम अप्रूवल मेन्यू में जाएंगे, देन क्लिक करेंगे लीव पर। तो ये है लीव रिक्वेस्ट। यहाँ सबसे पहले डेट शो होता है, यानी कब से लेके कब तक की लीव रिक्वेस्ट की गई है। फिर एप्लीकेंट का नाम शो होता है जिसने ये लीव अप्लाई की है। फिर एप्लीकेंट का डिपार्टमेंट और उसका डेजिग्नेशन शो होता है। फिर है रिक्वेस्ट फॉर, जो शो करता है कि एम्प्लॉय ने कौन सी लीव अप्लाई की है। फिर स्टेटस शो होता है, यानी आपने लीव अप्रूव की है, रिजेक्ट की है या फिर अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। फिर शो होता है नेक्स्ट अप्रूवर, जो शो करता है कि आपके बाद नेक्स्ट अप्रूवर कौन है। नेक्स्ट यहाँ आपको शो होगा व्यू या एक्शन। लीव को अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए हम एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। तो यह है लीव एप्लीकेशन फॉर्म जो कि एम्प्लॉय ने फिल किया है। फिर अप्रूवर कमेंट सेक्शन में आप कोई भी कमेंट डिफाइन कर सकते हैं। देन अगर आपको लीव अप्रूव करनी है तो आप अप्रूव बटन पर क्लिक करेंगे, एल्स रिजेक्ट पर। अगर आपको इस एम्प्लॉय का लीव बैलेंस व्यू करना है तो आप लीव बैलेंसेस पर क्लिक करके उसके लीव बैलेंसेस व्यू कर सकते हैं। अभी हम ये लीव अप्रूव कर लेते हैं। अगर आपको इस लीव एप्लीकेशन की डिटेल्स व्यू करनी है तो आप व्यू बटन पर क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सीखा मार्क एचआर एक्सपर्ट ईएसएस मॉड्यूल में लीव अप्रूव करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें एंड एट द एंड लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया। कॉमेंट करके अपनी क्वेरी सेंड करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।